बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक बरकत डाले हमारे आपके खानों में। तो आज हम बनाएंगे रसमलाई। तो रसमलाई के लिए मैंने ये 3 किलो दूध लिया, तो इसको बॉईल करते हैं। तो जो ही बॉईल आता है तो हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे जी। तो दूध को बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 2 लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसके फटने का वेट करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। तो देखें, ये दूध फट चुका है, बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो चलें, अब हम मलमल का कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर इसको पलट के निचोड़ लेते हैं। तो मलमल का कपड़ा हम इसके ऊपर बिछाएंगे। बिस्मिल्लाह, कपड़े को मैंने पहले अच्छी तरह वॉश किया, तो आप भी कपड़े को पहले वॉश कर लें। तो अब हम इसके ऊपर इसको डालते हैं। इसको इस तरह अच्छी तरह निचोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट तक आप इसको इसी तरह पड़ा रहने दें ताकि अच्छी तरह इसका सारा पानी निकल जाए। तो देखिए, यहाँ पर पानी इसका सारा निकल चुका है, तो इसको खोलते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखें, इस तरह से आप तो इसको निकाल लें। इसको साइड पे करते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त हो गई है। तो ये बहुत सॉफ्ट बनी है। ये देखें, तो इसको हम थोड़ी देर हाथों से इस तरह आप इसको अच्छी तरह मसलेंगे ताकि रसमलाई टूटे नहीं। इस तरह से ये यकजान होनी चाहिए ऐसे। ये देखें, और अब 1 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल ये नहीं टूटेगी। ठीक है, चूंकि ये ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा और ऐड करती हूँ। इसको अच्छी तरह बेशक इस तरह से मसल दें आप। इस तरह उल्टे चम्मच से आप दूध को अच्छी तरह मसलें, तो फिर ये टूटेगी नहीं। चम्मच को करते हैं साइड पे। तो देखें, इसके अंदर जो दाना था वो खत्म हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलें, इसको इकट्ठी करते हैं। इस तरह से कर लें। चलें, अब इसको देते हैं शेप। एक प्लेट लें। बिस्मिल्लाह, तो इसको रखते जाते हैं।
निश्चय। चलें जी, ये तैयार हो चुकी है, तो इसको करते हैं साइड पे। तो ये आप देख सकते हैं। तो चलिए शीरा रेडी करते हैं इसका। तो शीरा तैयार करने के लिए हम 2 कप पानी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कप पानी गया और 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप हम यहाँ पर चीनी लेंगे। तो इनको बॉईल आने देते हैं। बिस्मिल्लाह, चीनी को मेल्ट कर लें और इसको बॉईल आने दें। तो शीरे को जोश आ चुके, तो हम इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, इस तरह आराम से आप रखते जाएं। देखें, मैंने इनको 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाया है, तो ये अपने साइज से डबल हो चुकी है। तो चलें इसको उतार लेते हैं। तो इसको करते हैं डिश आउट। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।